नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। हमने पहले किया था पहले टॉपिक में कि एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसी में कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, उस कैपेसिटर की जो डेंसिटी है वो क्या होगी। सबसे पहले डेफिनेशन, द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में उसने कितनी एनर्जी स्टोर की, उसे कहेंगे हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर अपॉन में वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर हमें पता था यू अपॉन में वी। तो बाय एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर हमारी यू अपॉन में वी, और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन। तो अब इसमें हम करते हैं कि कॉमन पोटेंशियल, तो इसी का एनर्जी स्टोर का है कि हमने ये एनर्जी स्टोर कर ली, एनर्जी डेंसिटी कर ली, तो उनमें पोटेंशियल क्या होगा, क्या हम पोटेंशियल को भी हम शेयर कर सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल इट इज द डिफाइंड एज द पोटेंशियल अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, पैरेलल में हमने दो कैपेसिटर कनेक्ट किए आफ्टर शेयरिंग द चार्ज, तो वो कितना चार्ज शेयर कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। तो हमने मान लिया सी वन, ये सी टू, ये दोनों पे सेम चार्ज है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो होगा V इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। इफ हम सी टू को यदि हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। तो इस तरह से हम कॉमन पोटेंशियल और एनर्जी स्टोर कर सकते हैं।